बिग बॉस OTT 3 लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। शो में हाई वोल्टेज ड्रामा हर दिन देखने को मिलता है। शो को हर दिन बेहतरीन बनाने के लिए मेकर्स लगातार एक के बाद एक चाल चल रहे हैं। मिड वीक एलिमिनेशन टास्क में पौलमी दास को घर से बेघर कर दिया था। पौलमी दास अब शो से बाहर आने के बाद एक खुलासे कर रही है। उन्होंने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में भी कुछ ऐसा किया, फिर भी अगर मैं अपने कपड़ों के बारे में बात करूं तो मुझे इसमें सहज, ये मेरा खुद का रिप्रेजेंट करने का तरीका। पौलमी यहीं पर चुप नहीं रही, वह आगे भी कहती है कि मेरा रंग मेरा व्यक्तित्व है और मेरी पहचान है। आप इससे मुझसे इसीलिए नहीं छीन सकते क्योंकि आप इसके साथ सहज नहीं हैं। ये कुछ ऐसा है जिसके साथ मैं पैदा हुई हूँ। आज मैं जहाँ भी हूँ अपने रंग और अपने व्यक्तित्व की वजह से हूँ। आगे पौलमी दास से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि शिवानी सिर्फ अपने बैकग्राउंड की वजह से विवादित बयान देने से बच रही है। इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं कई बार लोग सोचते हैं कि चूंकि वह एक छोटे से गांव से आती है इसीलिए बहुत सारी चीज़ें माफ़ होती हैं। पौलमी दास ने आगे कहा, आप जानते हैं कि छोटे गांव से आने वाले लोग बड़ों का सम्मान करना जानते हैं। जिस तरह से वह रणवीर से बात करती है उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। कम से कम आपको अपने बड़ों का सम्मान करना आना चाहिए। क्या आप अपने घर में ऐसा नहीं करती? जब तक वह आपके बारे में कुछ बुरा भला नहीं कहती आपको असहज महसूस होता है। वेल, आप पौलमी दास के इन बयानों के बारे में क्या कहना चाहोगे? अपनी राय कमेंट में जरूर दें।